हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का सोशल साइंस। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से 23 तक का क्वेश्चन दिए थे। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए शुरू करें। 24 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। इसका सही आंसर है डी, महानगर। 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। आपका ऑप्शन है 1838, 1958, 1831, 1911। इसका सही आंसर है सी, 1881। 26 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपका ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी क्षेत्र। 27 नंबर का क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। आपका ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही आंसर है सी, अमृत बाजार पत्रिका। 28 नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपका ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। तो इसका सही आंसर है ए, लाहौर अधिवेशन। 29 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। आपका ऑप्शन है जारशाही, बुर्बो वंश, गुलाम वंश, हैब्सबर्ग। इसका सही आंसर है बी, बुर्बो वंश। 30 नंबर का क्वेश्चन, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। आपका ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, जालवेरिन। तो इसका सही आंसर है कार्बोनरी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, गैरिवाल्डी पेशे से क्या था। आपका ऑप्शन है सिपाही, शासक, नाविक, किसान। तो इसका सही आंसर है सी, नाविक। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपका ऑप्शन है लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, विलियम कैसर। इसका सही आंसर है डी, विलियम कैसर। 33 नंबर का क्वेश्चन, रक्त और लोहे की नीति किस राजनीतिज्ञ ने अपनाया। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मेजिनी, मेटरनिक, बिस्मार्क। इसका सही आंसर है डी, बिस्मार्क। 34 नंबर का क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आपका ऑप्शन है 1861, 1862, 1863, 1864। तो इसका सही आंसर है 1861। 35 नंबर का क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। आपका ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। इसका सही आंसर है डी, रूस का सम्राट। 36 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही आंसर है जर्मनी। 37 नंबर का क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। आपका ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। इसका सही आंसर है ए, रूस। 38 नंबर का क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूरोपियन होगा क्वेश्चन जो है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। आपका ऑप्शन है लुई क्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। इसका सही आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। 39 नंबर का क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो इसका सही आंसर है डी, कंबोडिया। 40 नंबर का क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है डी, इंग्लैंड। 41 नंबर का क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका सही आंसर है बी, हनोई समझौता। 42 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। आपका ऑप्शन है रशेल, हो ची मिन,
निरोतम संहानुक रूसो। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, रसेल। 43 नंबर का क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। इसका सही आंसर है बी, निक्सन। 44 नंबर का क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपका ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका सही आंसर है डी, या कोयला अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय ए ऑप्शन आपका सही होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? आपका ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो इसका सही आंसर है पुनः पूर्ति योग्य, बी ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है 100 NM, 200 NM, 150 NM, 250 NM। इसका सही आंसर है बी, 200 NM। 17 नंबर का क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? आपका ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है संसाधन के नियोजित दोहन से, सी ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? आपका ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 12.2 किलोमीटर। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।